दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं टेलसिन कंपनी की ओर से आने वाला यू शेप नेक होल्डर माउंट का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू कर रहा हूं। तो दोस्तों ये है टेलसिन की ओर से आने वाला यू शेप नेक होल्डर माउंट, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। अमेजोन से दोस्तों मैंने ये मंगवाया है और मेरे को ये पड़ा है गाइस 2000 रुपये का, 1998 का, तो लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 2000 के आसपास का ये आपको मिल जाएगा। अगर आप सिंगल हैं, मतलब कि आपके पास कोई भी दूसरा कैमरा पकड़ने वाला नहीं है और आप चाहते हो कि अनबॉक्सिंग से या फिर फूड से रिलेटेड वीडियो बनाते हो या फिर ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, तो ये काफ़ी काम की चीज़ रहने वाली है। तो ये कुछ इस प्रकार का इसका बॉक्स था और ये गाइस मिल जाता है यूज़र गाइड, जिसमें इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से यूज़ करना है। इस वीडियो के लास्ट में मैं इसकी फुटेज भी दिखाऊंगा गले में डाल के कि कैसा ये रिकॉर्ड करता है। तो बेसिकली दोस्तों ये एक्शन कैमराज के लिए है, अगर आप चाहो तो इसमें मोबाइल भी माउंट कर सकते हो। तो ये नेक होल्डर है कुछ इस प्रकार का, जो कि बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। साथ में ये ट्राईपोड का भी काम कर देता है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि ट्राईपोड अगर आपके पास नहीं है तो इस प्रकार से इसको मोड़ के इस प्रकार से रख सकते हो। तो मैं आपको कंप्लीट इसको असेंबल करके दिखाता हूँ। और ये इसके माउंट मिल जाते हैं कुछ, जो कि एक्शन कैमरा में लगने वाले हैं। तो ये इतना सिस्टम इसके साथ दोस्तों आता है। तो ये है मेरे पास एक्शन कैमरा Insta360, तो मैं इसको आपको माउंट करके दिखाता हूँ। इसको गर्दन में डालने के लिए सिंपली इसको यहाँ से डी अटैच करना पड़ता है। तो डी अटैच करने के लिए यहाँ पे एक पुश बटन दिया गया है, जिसको जैसे ही पुश करेंगे तो ये बाहर की तरफ निकल जाता है और गले में डाल के इसको वापस सिंपली इस प्रकार से जैसे ही आवाज़ आती है मतलब ये लॉक हो चुका है। अब दोस्तों क्या करना है कि ये वाला माउंट, इसमें दो माउंट दिए गए हैं बेसिकली। तो एक तो है कि लैंडस्केप मोड में अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो तो इसका यूज़ करेंगे, और पोर्ट्रेट में अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो तो इन दोनों का यूज़ हमें करना पड़ेगा। तो सिंपली जो कैमरे के साथ माउंट है, मैं इसको खोल देता हूँ। खोलने के बाद सिंपली मैं इसको लगाता हूँ। हमें जैसे पोर्ट्रेट मोड में वीडियो बनानी है, मैं इसको इस प्रकार से लगाऊंगा। और लगाने के बाद दोस्तों इसके साथ जो स्क्रू दिया गया है इसको सिंपली इसमें कस देंगे। तो ये फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये टाइट ज़्यादा है क्योंकि नया नया है अभी। तो एक दो बार जैसे ही यूज़ करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो जिस जैसे ही मैं इसको स्क्रू को कसता हूँ तो ये देखिए, तो ये कस देंगे इस प्रकार से। और कसने के बाद दोस्तों सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे बेसिकली मैग्नेटिक सक्शन होता है, यानी कि मैग्नेट लगी होती है। तो जैसे ही मैं इसकी तरफ ले जाता हूँ तो ये देखिए किस प्रकार से खींच रहा है, और काफ़ी पावरफुल मैग्नेट होती है। तो ये देखिए ऐसे लगाते ही ये लॉक हो जाता है यहाँ पे, और ये निकलेगा नहीं दोस्तों। कितना भी इसको फोर्सफुली हम खींचें फिर भी ये नहीं निकलने वाला। इसको निकालने के लिए सिंपली इसको इस प्रकार से रोटेट करना होता है, और रोटेट करने के बाद ये बाहर की ओर इस प्रकार से निकल जाएगा। ये देखिए कितना सक्शन इसमें पैदा हो रहा है। तो ये जैसे कैमरे का मुँह इस साइड रखना है, मैं इस प्रकार से इसको लगा देता हूँ। और लगाने के बाद दोस्तों ये कुछ इस प्रकार का सेटअप हमारा बन जाता है। इसको कर देंगे इस प्रकार से मूव, और मूव करने के बाद जैसे ही हम गले में डालेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का हमें दिखेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि गले में डाल के अगर मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ तो किस प्रकार से बनती है। साथ में आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप इसे पोर्ट्रेट में यूज़ करना चाहते हो तो कैसे यूज़ करेंगे। तो इसको खोलने के बाद सिंपली दोस्तों क्या करना है, इसको बाहर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद ये वाला माउंट है, इसको सिंपली हमें इसमें लगाना है कुछ इस प्रकार से। और लगाने के बाद दोस्तों ये इस प्रकार से सेट हो जाएगा इसमें। ये देखिए आप इस स्क्रू को यहाँ पे कस देंगे, और जो हमारे पास कैमरे वाला है उसको नीचे लगा देंगे। तो ये अगर आप पोर्ट्रेबल मोड में वीडियो बनाना चाहते हो जैसे फेसबुक वगैरह के लिए, तो सिंपली आप इसको इस प्रकार से यूज़ कर पाएंगे। तो अभी ये थोड़ा सा टाइट है जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से वीडियो बन जाएंगे जो कि पोर्ट्रेट मोड में होंगे, और लैंडस्केप में बनाना हो तो सिंपली इसको निकाल देंगे, जो एक्स्ट्रा माउंट है उसको निकाल देंगे। और निकालने के बाद सिंपली ये हमारा लैंडस्केप मोड में वीडियो बना देगा। तो मैं आपको लैंडस्केप मोड में वीडियो बना के अभी दिखा रहा हूँ, और काफ़ी पावरफुल सेक्शन है दोस्तों। मैं इसको इतना खींच रहा हूँ फिर भी ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। तो मैं इसको इस प्रकार से लगाता हूँ ताकि वीडियो सीधा बने। हालांकि आपको पता होगा कि जो एक्शन कैमराज होते हैं इनमें हॉरिजॉन्टल लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, इसके बाद अगर थोड़ा बहुत हम हिलते भी हैं तो भी हमारी फुटेज जो है वो बिल्कुल सीधी रहती है। ये थोड़ा सा टाइट है नया नया होने की वजह से, तो मैं इसको थोड़ा सा सीधा करके फिर से डालता हूँ जो कुछ सेंटर में।
हाँ शायद अब टाइट हो जाएगा। तो इसको जैसे ही एक दो बार यूज़ करेंगे दोस्तों तो ये नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली। तो ये इस प्रकार से मैं इसको टाइट कर देता हूँ। और टाइट करने के बाद दोस्तों आप इसे नेक में यानी कि गर्दन में तो इसको डाल ही सकते हो, सिंपली जितना टाइट करना चाहो कर सकते हो। इसके अलावा इसको एक प्रकार से सेल्फ स्टिक की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं इसको इस प्रकार से पकड़ के और कोई भी फुटेज रिकॉर्ड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये बिल्कुल इस प्रकार से फ्लेक्सिबल है तो मुड़ जाता है। या फिर अगर आप कहीं भी कैमरे को रखना चाहो, जैसे आप सिंगल और कोई शॉट लेना है अपना ही, तो कुछ इस प्रकार से इसको रख भी सकते हो। उस प्रकार से घुमा के लगा देता हूँ इसको, क्योंकि इसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ तो कुछ इस प्रकार से हम कैमरे को रख पाएंगे। जैसे अगर आप चाहते हो कि आप चल रहे हो और उसका शूट या उसका सीन आपको लेना है तो इस प्रकार से इसको रख सकते हैं, ठीक है। और इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं इसको गले में डालता हूँ तो किस प्रकार की रिकॉर्डिंग ये करता है। तो अभी जो आप सीन देखोगे इस वीडियो के आगे का, वो इस कैमरे से मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये नेक बैंड जो है वो गले में डाल लिया है। अभी मैं इसमें कैमरा लगाता हूँ सिंपली। तो मैंने एक हाथ से मोबाइल को पकड़ रखा है और दूसरे हाथ में मेरे ये है कैमरा, जिसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे को स्क्रीन बाद में दिखेगी नहीं। तो मैं इसको सीधा यहाँ पे जैसे ही अटैच करूँगा तो ये सिंपली अटैच हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार का सीन देखने के लिए मिलता है, मतलब जैसे ही आप इसको लगाओगे तो कुछ इस प्रकार का हमें दिखता है। तो मैं सिंपली इसको ऑन कर रहा हूँ दोस्तों, रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, फिर आपको दिखाऊँगा कि किस प्रकार की रिकॉर्डिंग इसमें आती है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अभी मैं अपने रूम में चल रहा हूँ और चलने के बाद अभी जो आप फुटेज देखोगे तो इस कैमरे की देखोगे और इसमें आप देखोगे कि किस प्रकार की फुटेज निकल के आती है। वाइड एंगल कैमरा है। इसके अलावा इसमें फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन भी मिलता है, यानी कि जब हम चलते हैं तो ज़्यादा फुटेज हिलती नहीं है। इसके अलावा जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, अभी मैं आपको किचन में लेके चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे किसी को खाने से रिलेटेड वीडियो बनाना हो, जैसे यहाँ पर ये गैस चूल्हा पड़ा हुआ है और मैं इस मोबाइल को रख देता हूँ यहाँ पे साइड में और अभी दिखाता हूँ आपको। हाँ तो ये मैंने रख दिया है दोस्तों। अब जैसे मेरे को यहाँ पे खाने से रिलेटेड या कुछ रेसिपी की वीडियो बनाने हैं तो सिंपली यहाँ पे मैं इस प्रकार से, मेरे दोनों हाथ फ्री रहेंगे, कहने का मतलब है दोनों हाथ बिल्कुल फ्री रहेंगे और यहाँ पे मैं जो भी दिखाना चाहूँ दिखा सकता हूँ। जैसे किचन में कुछ बर्तन वगैरह में कुछ धोना वोना कुछ भी हो, या फिर जैसे अनबॉक्सिंग के वीडियो होते हैं दोस्तों आपने देखे होंगे, तो मैं आपको कुछ अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। जैसे ये लाइफ बॉय की साबुन है, मैं इनको अगर अनबॉक्स करना चाहूँ तो सिंपली इसको इस प्रकार से अनबॉक्स करके आपको दिखा सकता हूँ। जैसे मैं अभी चाकू से काट के दिखाता हूँ आपको कि कितना एरिया कवर कर रहा है। सिंपली आप बता सकते हो, साथ में इसको यूज़ कर सकते हो और आपके दोनों हाथ फ्री रहेंगे। ये बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा काम का है जो सिंगल होते हैं, मतलब कैमरा पकड़ने वाला कोई भी नहीं होता। तो मैं आपको थोड़ा सा बाहर लेके चलता हूँ, जैसे कि मैं अगर चल रहा हूँ तो कितनी फुटेज हिलती है। हालांकि इनमें फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन आता है जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, तो इनकी फुटेज वगैरह ज़्यादा हिलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे जैसे मैं चलता हूँ तो कितना फ़र्क पड़ता है। अगर आप यहाँ पे मोबाइल का यूज़ कर रहे हो फिर भी स्टेबल है, तो जैसे मैं अभी चल के आपको दिखाता हूँ, तो मैं अभी तेज़ तेज़ चल रहा हूँ, लेकिन अभी आप देखना कि किस प्रकार की फुटेज यहाँ पे निकल के आ रही है। तो मैं काफ़ी दूर चल के आ चुका, मतलब फ्लैट के चारों ओर चक्कर लगा के आ चुका। तो ये देखिए आप किस प्रकार की फुटेज निकल के आई है। तो दोस्तों इस प्रकार का है ये कुछ नेक बैंड। तो अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।